हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग भी गाड़ी से ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गौशाला। एक्चुअली जब मेरा बहुत टाइम से मन था, हमारे घर के नज़दीक ही एक गौशाला है, तो मैं बहुत टाइम से देते हुए कह रही थी कि मुझे वहाँ पे जाना है और जो गायें हैं वहाँ पे उनको चारा खिला के आना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बर्थडे की जो स्टार्टिंग है वो इसी से करूँ। सो अभी हम निकल गए हैं घर से रास्ते में और पहुँचने वाले हैं गौशाला, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी वहाँ पे। बहुत सुंदर गौशाला है वो, मैंने भी उसको वीडियोस में ही देखा है अभी तक, मैंने लाइव उसको नहीं देखा है आंखों से। तो आज मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसे रिकॉर्ड भी करना चाहिए। तो बाकी आगे बर्थडे के क्या प्लान्स हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है? सो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। बाकी आ जाओ, अब चलते हैं फटाफट से गौशाला। पे आके ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे गांव में आ गए हो। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे और रास्ता भी बहुत अच्छा है। आपने मेरी लास्ट वीडियो तो देखी होगी कैसे मेरा पोपट हो गया शॉपिंग करते करते, मॉल हो गया था बंद। अगर नहीं देखी तो प्लीज गाइस उस वीडियो को जरूर देखना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वो वीडियो। और आज भी सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कहीं पे भी जाने का, बिकॉज बर्थडे है लेकिन घर के काम तो ऑलवेज करने ही होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में, घर के कामों में टाइम निकल गया। रात को लेट सो के उठी थी, उसके बाद बस अभी निकली हूँ घर से। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सो फाइनली गौशाला आ गई है, तो आ जाओ चलते हैं फिर अंदर। अभी देख लेते हैं पोपट ना हो गया, गौशाला बंद होने का यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कहीं पोपट ना हो गया हो, कभी गौशाला ही बंद हो गई हो, क्योंकि टाइम 5 बज चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं। तो चलो चेक करते हैं, 5-6 बजे कह रहे बंद हो जाती है, तो चेक करते हैं एक बारी क्या आज भी कहीं पोपट तो नहीं हो गया। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गौशाला के पास और आप देखो यहाँ पे कितनी सारी गाँव है ये देखो। और मुझे तो यहाँ पे आके ना सीरियसली गाँव वाली फील आ रही है, और इतनी ज्यादा ग्रीनरी देखो, कितना सुंदर है ये, कितने सुंदर फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, ये देखो बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। सींग देख इनके यार, इनके सींग देखो, माय गॉड। और सुंदर सामने से देखो कितना बड़ा झुंड आ रहा है, सींग देखो इसका। ओके ये बहुत सारी हैं आदित्य, यार मजा आ गया यहाँ पे आके तो मुझे सीरियसली। वाओ ट्रैक्टर भी, ओ माय गॉड, यही सबसे अच्छा गिफ्ट है मेरे बर्थडे का। मुझे ग्रीनरी इतनी पसंद है ना बहुत ज़्यादा, और यहाँ कितने सुंदर सुंदर खेत हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी ग्रीनरी है, मेरे लिए तो बेस्ट डे है सीरियसली। और मैं आपको शॉप दिखाती हूँ जहाँ से हम गाय के लिए चारा ले रहे हैं, सामने शॉप जहाँ से हम गाय के लिए चारा ले रहे हैं। आज सीरियसली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यार मुझे। सो गाइस ये है सारा गाय का खाना जो जा रहा है, जो हम गाय को खिलाने वाले हैं। आज तो हाथ लगवा दो यार भैया के साथ, आदमी को बिठा दो इसके ऊपर, बैठ जाओ आदमी का आराम से। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये हाथ लगा के इकट्ठा ऊपर, एक्चुअली भारी है ना थोड़े से, तो हाथ लगा के ऊपर चढ़वाने पड़ रहे हैं। ये फाइनली हम आ गए हैं गौशाला में। कैसा लग रहा है? And it's the best birthday ever, seriously. जय गौ माता। और ये हमारी लोकेशन, तो ये हमें ये लोकेशन मिली है, डाल दो देते पूरा अच्छे से। ओ वाओ, प्यारी लग रही है ना, वो तो काओ ऊपर ही चढ़ गई। ओ माय गॉड, हालत हो गई है ख़राब। हिम्मत होती है यार वो किसानों की ना,
जो गांव में ये सब मेहनत करते हैं, सही में सिर्फ 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में पसीना आ गया और सांस चढ़ गया। जो ये डेली काम करते हैं, सलूट है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा बेस्ट बेस्ट बर्थडे एवर। सीरियसली मेरे को बहुत तसल्ली, मुझे सीरियसली बहुत तसल्ली मिल रही है। सो गई है तो अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्लान को, अभी हमें घर ही जाना होगा। अब हम जा रहे हैं घर, थोड़ी सी देर आद्विका सोएगी, जब ये उठ जाएगी अब उसके बाद कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। I'm back guys, so आद्विका को मुझे घर पे ही छोड़ के आना पड़ा। सो अब नाउ मेरा प्लान है कि मैं अपने तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो मैंने कुछ पेस्ट्रीज और कुछ बिस्किट्स लिए हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं जो गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, उनको मैं ये पेस्ट्रीज केक और कुछ अच्छा अच्छा खाने को दूं। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कुछ पेस्ट्रीज, आप देख सकते हो। इसमें से कुछ मैंने फटाफट से डाल के यहाँ पीछे सर्व कर लिए हैं, बिकॉज अगर वहाँ पे मैं जाती हूँ एकदम से भीड़ लग जाती है बिकॉज, तो उस टाइम पे होपलेस हो जाऊँगी। तो मैंने पहले से ही उनको डाल के पीछे वहाँ पे रख लिया है। तो अब हम निकल गए हैं और आज डिनर का भी जो प्लान है वो यही है कि हम बाहर से डिनर लाएंगे। सो अभी रास्ते में ही जाते जाते हम डिनर भी ले लेंगे और ये पेस्ट्रीज और ये जो बिस्किट्स मैंने लिए हैं ये भी हम बच्चों को दे देंगे। सो मेरा बर्थडे इस बार सीरियसली सबसे अच्छा बर्थडे गया अभी तक का, जो मैं चाहती थी। यार हम लोग तो हमेशा खाते हैं पीते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके, अच्छा अच्छा खा लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको बेचारों को मिलता ही नहीं है ये सब खाने के लिए। सो मेरा बहुत मन था कि मैं ये सब उनको दूँ। और बाकी रही अपनी बात, तो हम तो खाते ही रहते हैं और कभी भी चले जाते हैं। एक्चुअली में सब जितने भी यहाँ पे मतलब घर थे अभी, सब घरों में इतना ज्यादा सबने ले लिया और सबने खा लिया और सब खुश हो गए, मुझे बाय कर रहे थे, कह रहे थे जन्मदिन है जन्मदिन मना रहे लगता है। तो इनसे अच्छी ब्लेसिंग्स तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दे सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये हैप्पी बर्थडे टू मी। तसल्ली मिलती है तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है, कि मैं गाय को भी खाना खिला के आई हूँ सुबह सुबह और मैं अब इन बच्चों को भी मैंने खिलाया है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई और नहीं है। तो ऊपर वाले से हाथ जोड़ेंगे कि हमें इतना देना कि हम इतना दे कि हम इन लोगों की अपने मदद साथ साथ इन लोगों की भी इतना तो कर ही देंगे, थोड़ा बहुत भी ध्यान रख सके। हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन इन लोगों को ये चीजें नहीं मिलती है ना, तो मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाऊंगा, अपने बर्थडे पे 1,000, 2,000, 10,000 खर्चने की बजाय ना इन लोगों को। हाँ यार, तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना ये अलग ही लेवल की, अलग ही लेवल की होती है। चाहे आप किसी के लिए ना किसी की 10 रुपए से हेल्प करोगे ना तो वो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, अपने ऊपर 100 रुपए खर्चने की बजाय अगर आप किसी के ऊपर 10 रुपए खर्चोगे। सो आज हम बहुत खुश हैं, अब हम जा रहे हैं खाना लेने, खाना हमारा रेडी हो चुका है, पैक हो चुका है, तो अब बस खाना लेके फिर घर निकलते हैं वापस। सो हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस हमने खाना वगैरह ले लिया है यहाँ पे, ये हमारा खाना, और रास्ते में बारिश शुरू हो गई है। एक्चुअली हर बार यही होता है, मेरे बर्थडे पे बारिश ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। रात को भी जिस टाइम हम लोग बस घर में ही घुसे हैं और इतनी तेज बारिश होने लगी, एकदम से इतनी तेज,
बहुत तेज तेज बिजली कड़कने लगी, इतनी तेज तेज, और अभी भी बारिश तेज होती जा रही है धीरे 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 धीरे। एक्चुअली हम थोड़े से लेट हो गए और आज थोड़ा सा सब प्लांट्स थोड़े से लेट हो गए हैं, इसलिए बारिश थोड़ी सी जल्दी होगी, वरना अभी तक हम घर पहुंच चुके होते और बारिश फिर हमारे घर में घुसने के बाद होती।